कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी भी तो सूरबीर बनाउण वास्ते है, इहदे विच कोई शक नहीं। पर जंगा का वेरवा जिहड़ा ना खुलासे सहित वह श्री दसम ग्रंथ के सतगुरु जी ने किया, चंडी की वार के अंदर किया। आपां कुछ होर समझते हैं। संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरख फिरोजपुर के नेड़े कथा करन लई गए। महापुरशां नूं जिहड़े प्रबंधक सी ओह कहण लगे कि महाराज ठंडी जी कथा करियो, गर्म कथा ना करियो, क्योंकि महापुरखां नूं उस समय हालातों की मजबूरी खातर सब कुछ बोलना पैंदा सी, दसना पैंदा सी। ते महापुरख कहण लगे भाई तुसीं दस दिओ किहड़ी कथा करिए। कहिंदे जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी किसे दी कथा कर दिओ। महापुरख कहिंदे फिर तुसीं आप ही चोण कर लओ। कहिंदे जी गुरु नानक साहिब दी बाणी दी कथा करो। महापुरख कहिंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब कहिंदे आ जाओ तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काण ना कीजै। कहिंदे महाराज ये तो गर्म है जी। फिर कहिंदे तुसीं दस दिओ। कहिंदे जी कबीर साहिब दी बाणी जिहड़ी आ ना भगत बाणी दे विचों तुसीं अर्थ कर दिओ किसे शब्द दे। ते महापुर कहिंदे कबीर साहिब दी सुण लो। कबीर साहिब कहिंदे आ गगन दमामा बाजयो, परयो निशाना कहाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। कबीर साहिब कहिंदे आ सूरा सो पहचानिया, जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडै खेत। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਾਇਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢਣ। ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਨਾ ਦਦਾਰੈ, ਇਹ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਮੈਤ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਭ ਬਰਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਦੋ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਤਿਆਗਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਓ,
एक पूरा पीड़ा साहब जदों बाकी रह जांदा कहिंदे हुण बाबा जी साहब बाबा दीप सिंह साहब दे शस्त्र आऊगे। इन्ने वड्डे शस्त्रां दा कमर कसा नाभे वाले राजिआं ने हुण एक तेगा जिहड़ा ना तख्त श्री केसगढ़ साहब भेट कीता हुण दर्शन करवाए जांदे आ। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दा ओह तेगा जिस दे नाल महाराज ने काले खां नूं वड्डिआ सी। जदों गुरदेव ने काले खां दे सिर विच ओह तेगा मारिआ सी ना घोड़े दी काठी तक वड्ड दित्ता सी काले खां। ते महापुरशां ने इस बचन दा हवाला दिंदिआं होइआं इह शब्द कहे है मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दे अंदर दया भी इन्नी है कि गुरदेव नूं फुल दे टुटण करके दर्द महसूस हुंदा है। सतगुरु दे अंदर वीर रस भी इन्ना है कि जे तेग दा वार छड्ड दे है लोहे दीआं संजोब बख्तरां नूं कटदा होइआ घोड़े दी काठी तक नूं वढ के पार हो जांदा। इह सच्चे पातशाह जी महाराज दे दित्ते होए सानूं उपदेश इह बख्शिशां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब भगती दा प्रतीक है, श्री अकाल तख्त साहिब शक्ति दा प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सानू बख्शिश कीती है देग अते तेग। देग तेग दे धनी आप गरीब नवाज धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह। इस विचित्र नाटक दे अंदर जिथे पंगाणी दे युद्ध दा बड़े विस्थार सहित वर्णन करदे है अपने पौंटे साहब जाण दा जिक्र करदे है। 17 साल की उम्र विच सच्चे पातशाह ने बाणियां उचारण कीतियां उन्हां दा जिक्र आउंदा है। 12 दिनां दे अंदर किला सिरजिया सच्चे पातशाह ने पौंटा साहब की धरती ते जिक्र आउंदा है। सच्चे पातशाह ने कहा देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटे की सुध लई। ते सच्चे पातशाह जी महाराज ने यह भी लिखिया कि उस जंगल दे विच चुण चुण के शेर मारे है। जैथरथ वर्गियां दी कहरी शेर दे रूप विच फिरदियां दा उधार कीता। सतगुरु जी दी वीरता दा मुजस्मा थोड़ी जी झलक आप जी दे सामने रखदा, थोड़ी जी झलक दर्शन करन दा यतन करन। फतेह शाह राजा सतगुरु जी दे कोल आया, मैं विस्तार नहीं करांगा, मेदनी शाह कोल बैठा सी, मेदनी प्रकाश वाहिगुरु नाहण दा राजा आ करके खबर दित्ती सच्चे पातशाह एक शेर बड़ा तंग करदा है, माल डंगर खा जांदा है। ते फतेह शाह ने कहा महाराज शेर दी बाबत सारे जानदे आ पर इहनूं मार नहीं कोई सकिया। गुरदेव कहिंदे चंगा कल नूं दिन चढ़ेगा चलांगे, दस्सिओ विस्थार नहीं करांगा, मैं केवल दर्शन कराउणे तुहानूं उस थां दे जो कविराज ने किस तरह बयान कीता। जिस समय महाराज उत्थे पहुँच गए ना जिस झड़ी दे विच शेर बैठा होया ते कविराज लिखदे आ कि घोड़ियां दी हिणकण दी आवाज़ नाल शेर दहाड़िया, शेर दी दहाड़न दे नाल पत्ते झड़ गए, फल डिग गए ते पक्षी उड गए रुखां तों। सच्चे पातशाह जी ने कहा मेदनी प्रकाश राजा, फतेह शाह राजा, तुहाडे कोल कोई ऐसा जवान है जिहड़ा इकल्ला शेर दा मुकाबला करे? कहण लगे नहीं महाराज, इहो जी भुल ना करिओ, दूरों गोलियां ते तीरां दा मीह भरा के मसा ही शेर नूं काबू कीता जा सकेगा। सच्चे पातशाह जी ने आदेश दिता कि किसी ने गोली नहीं चलाउणी, किसी ने तीर नहीं चलाउणा, महावत नूं हाठी बिठाउण दा उपदेश जिहड़ा सी महाराज ने हुक्म भाव दे दिता। जदों हाथी बैठ गया ते घोड़ियां ते पिछे खलोते सिख, क्योंकि उदों अजे अमृत संचार नहीं सी होया जदों पंगाणी दा युद्ध हुंदा, पिछले सिखां नूं अनुमान लग गया कि गुरदेव आप उतर के चले आ। 17 साल की उम्र है ते मामा कृपाल चंद जी नूं ना अगे हो के शंगो शाह जी ने कहा, महाराज दे वड्डे भूआ जी दे पुत्तर। कहण लगे मामा जी तुसीं गुरु साहब नूं बेनती करो जानवर अक्सर जानवर है उहदे सामने ना जाण, आपां पिछे हाँ खड़े, असीं सब अगे वधदे हाँ, आपां अगे हो करके शेर दा शिकार करदे आ। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिस समय आप उतरे आ, मैनू समाप्ति दा हुक्म होया, मैं समाप्ति कर देनी है। जिस समय महाराज ने अजे गात्रियों श्री साहब नहीं खिंची,
सतगुरु पातशाह महाराज ने अजे टाला भी मोढ़े तो नहीं लाया, ते जदों महाराज शेर दे सामने जाण वास्ते कदम पुट रहे हैं, मामा कृपाल चंद जी संगो शाह जी की बेनती करन तो काली नाल अगे आए कि गुरु साहब नूं बेनती करिए कि आप शेर दे सामने ना जाओ, क्योंकि पशु तो अक्षर पशु है, जानवर है। जिस समय मामा कृपाल चंद जी गुरदेव दे सामने होए है, कविराज लिखते हैं कि मस्तक दे उत्ते इन्ना नूर दग रहा सी, वीर रस दे नाले इन्ने नेत्र भख चुके सी कि मामा कृपाल चंद जी पिछले पैरी पछाह नूं मुड़ आए, ते ते समय शंगो शाह जी कहन लगे मामा जी बेनती नहीं कीती। ते शंगो शाह नूं मामा कृपाल चंद जी ने कहा, शंगो शाह जुरत नहीं पई सतगुरु नूं बेनती करन दी। मेरा हिया नहीं पिया, सचे पातशाह जी महाराज ऐसे सूरमताई दे मुजस्मे गरीब नवाज। मैं पंक्तियां तीन चार ने गुरदेव दी शहादत दियां, उन्हां दे अखरी अर्थ कर दें जे आग्या दिओ ते। सो सचे पातशाह जी महाराज अपने पिता सतगुरु दी शहादत कहिंदे है, अगे चौपाई शुरू हुंदी है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत जह बिद मोहयानो, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत सृंग सोबत है तहाँ, सपत सृंग तेह नाम कहावा पंड राज जह जो कमावा, तेह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का अराधी, एह बिद करत तपस्या भयो दवायते एक रूप हवा गयो, तात मात मुर अलख अरादा बहुबिद योग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा ताते पहे प्रसन्न गुरदेवा। गुरु कलंगी धर जी कहिंदे तिन प्रभ जब आए इस मोहि दिया, तब हम जन्म कलहू मैं लिया। किसे अवतार ने अपनी कथा आप अपनी कलम नाल नहीं लिखी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह अपनी कथा नू आप लिखिया। गरीब नवाज अपने पिता जी की शहादत कहिंदे है, केवल इन्हां दो चार पंक्तियां दे अर्थ करके समाप्ति कर देनी है। महापुरशां दी बरसी ते आपने हाजरियां भरियां, इन्ना ज्ञान दा प्रसाद जिहड़ा वंडिया गया आप जी, क्योंकि कई गल्लां तां चेते नहीं रहिंदियां, पर कुछ एक किणका जिहड़ा उह अपने पल्ले जरूर बन करके खड़ना। मुख मकसद है कि पतत पुणे दी लहर नूं खत्म कीता जावे। जिन्हें भी तुसी इत्थे सुनन वाले हो, तुसी दस दस नूं वीह वीह नूं अगे तैयार कर सकदे हो, पर जे कोई शाम नूं काम तो आके कहो मेरा तो हुण रिलैक्स होने का समय, नहा के टीवी दे सामने बह के चैनलों नूं बदलते जाओगे दिमाग थक जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होना। जदों काम तो वेले हुन्ने हो, किरत तो वेले हुन्ने हो, उदों धर्म की किरत करन लग जाया करो कि किसे ना किसे नूं प्रेर के सिखी वल लियाउणा, उहदे केस रखाउण वास्ते बेनती करनी। अपनी शख्सियत नूं इन्ने प्यार वाले बनाओ कि तुहानूं कहण दी लोड़ ना पवे। असीं खुद जिहड़े मोने हैं, क्लीन शेव शब्द मैनूं सिंह कहिंदे ना वरत्या करो, क्योंकि वह समझदे असीं साफ हाँ ते तुसीं गंदे हो। यह मैनूं सिंघां ने दस्सिया क्लीन शेव शब्द इस तरह बणिया, सानूं यह नहीं वरतना चाहीदा। पर जदों के असल दे अंदर उहनां नूं ज्ञान नहीं है मेरे वीरां नूं, पर जिथे जिथे भी मैनूं सेवा प्राप्त होई है, बहुत ज़्यादा मोने वीर ही मेरे नाल प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने अपने प्यार नाल नाल लाया, तो मेरे पुरखियां ने कहा कि नाल लाओ। मेरे वड्डियां ने उपदेश दिता है, जिन्ने भी शहरां विच दास ने जाग जा के सेवा की है, बहुत ज़्यादा मोने वीर जिहड़े सी जदों उन्हां दी संथिया बाई वारा ते जां भगत बाणी ते आउंदी सी, मैनूं कहण दी लोड़ नहीं सी पैंदी, अपने आप परिवारां समेत उन्होंने अमृत छके है अपने आप, क्योंकि गुरबाणी अपने आप विच इक साध संगत जी जागदी जोत है, कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। अमृत छके दा वी उदों पता लग जा जदों आप तरस नाल मंगे कि मैनूं अमृत दी दात महाराज दे दिओ। सचे पातशाह अपने गुरदेव पिता जी बारे कहिंदे ने, आओ मैं फिर समाप्ति करांगा, महाराज नाल जुड़दे हुए आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तिन ते तेक बहादुर भए, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहिंदे आ, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जदों सचखंड गए, तिन ते तेक बहादुर भए, तिन्हां तों गुरु हरकृष्ण साहब जी तों गुरु तेग बहादुर साहब जी वरसोए। जदों महाराज ने दिल्ली दे विच
ਪਣਗੇ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਲਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। ਤਿਲਕ ਅੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾ ਕਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਯੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਯੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਉਮਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦੇਤੇ, ਆਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੈਸਾ ਹੋਤਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਲੀਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ
देवनेत दे नाल जे हिंदुस्तान दी राजसी सत्ता हिंदुओं दे हाथ विच हुंदी, हिंदू मुसलमान धर्म नूं जबरदस्ती नष्ट कर रहे हुंदे ते असी मुसलमान दी धर्म दी रक्षा वास्ते अगे आउणा सी। असी किसे धर्म दे विरोध विच नहीं आ, असी जुल्म दे विरोध विच आ। सच्चे पातशाह ने अपना शीस दे के जुल्म नूं ठल पाई। तो याद रखनी है गल, गुरदेव की शहादत तो बाद एक भी जंजू नहीं लाया गया, तो औरंगजेब जालम बादशाह एक भी रात दिल्ली नहीं रह सकया। सच्चे पातशाह ने जदों शहादत दिती नाटक चेटक किए को काजा, सच्चे पातशाह नूं अखीर ते कहा सी, ये दो पंक्तियां रहिंदियां समाप्ति है। गुरु तेग बहादुर साहब नूं कहा सी औरंगजेब ने, जो कहा वह गुरदेव ने अंकित कर दिता गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। औरंगजेब ने कहा मैं आपनूं मारना नहीं चाहुंदा गुरदेव, मैं तुहानूं शहीद नहीं करना चाहुंदा, कोई करामात विखा दिओ तुहाडी जान बख्श दित्ती जाएगी। हालात वेखने चाहिए है, इन्हां चीज़ां का हवाला दे करके ना कई बारी ये कहिंदे कि गुरु घर दे विच कोई करामात है ही नहीं। करामात तो गुरदेव दे कूकरां विच है। सच्चे पातशाह महाराज का कला सिख ही कहिंदा मैं ताड़ी मार के लाहौर ते दिल्ली नष्ट कर देंगा। सच्चे पातशाह जी महाराज ने उत्थे की शब्द कहे है, महाराज कहिंदे औरंगजेब अपनी जान बचाउण वास्ते असी करामात नहीं दिखावांगे, क्योंकि करामात जिहड़ी आ ना नाटक चेटक है, एक खोटा कर्म जिहड़ा असी नहीं करांगे। रब लोगन कहे आवत लाजा, क्योंकि रब दे प्यारियां नूं लज्जा आउंदी है करामात दिखाउण लग्गिआं। क्यों आउंदी है? ध्यान दिओ, जे किसी को तुसी चीज ली हो तो पांच क दिन बाद कहो आ तेन दिखावा एक बड़ी अनोखी चीज है मेरे को, अगों हस के कहेगा मूर्खा मेरे को मैनू विखाई जाने। गुरु तेग बहादुर साहब कहते रब दे प्यारे करामात नहीं दिखाते, क्योंकि रब को ही ली है, तो हरेक थान से रब न ही वेखते। इस करके कहते परमात्मा तेरे को ली हुई शक्ति तेनू की दिखाइए, हरेक दे अंदर वो जोत वेखते है। इस करके वो अपनी वड्याई खातर अपनी प्रभता खातर कदाचित भी वह शक्ति नहीं प्रगट करते, भावें बलिदान दे देंदे हन। दोहरा ठीकर फोर दलीस सिर, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब के सिर ते ठीकरा तोड़ दिता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने शरीर का। प्रापुर किया प्यान, ते सचखंड नूं सच्चे पातशाह ने प्याना किया। एक बहादुर सी किरिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहिंदे आ सत्कार योग पिता गुरु तेग बहादुर साहब वर्गा कारज करी ना किन्हू आन, किसे ने भी इस संसार ते आ के नहीं कीता, क्योंकि हर कोई अपने धर्म वास्ते ता बलिदान दिंदा है। गुरदेव ने तिलक ते जन्यू दी खातर अपना बलिदान दिता है। तेग बहादुर के चलता, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सच खंड जान नाल शहादत होण करके भयो जगत को सोक, सारे जगत दे अंदर सोक दी लहर फैल गई। इतिहास दसदा है जदों गुरदेव दा सीस लथिया सी उदों बहुत लाल रंग दा आकाश हो गया, इन्नी जोर दी हनेरी चली कि हर एक दियां अखां पूरियां गईयां, सारे संसार दे अंदर शोक फैल गया जदों महाराज ने शहादत दित्ती है। सब जग भयो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहिंदे ने हाहाकार मच गई है सारे हिंदुस्तान दे अंदर, क्योंकि गुरदेव दी शहादत होनी कोई छोटी बात नहीं सी। सारे हिंदुस्तान दे अंदर हाहाकार मच गई जदों गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज शहीद होए। जय 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 सुर लोक, सुर लोक देवत्यां दे लोक तक साध संगत जी जय जयकार दी धुन होई जदों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी शहादत दिती है। गुरद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली दे अंदर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज की शहादत का अस्थान। सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस तो अगे अपनी कथा जिहड़ी है वह बख्यान की है विचित्र नाटक की अमर रचना। गरीब नवाज सतगुरु जी ने इस दे अंदर बहुत भारी बख्शां कीतियां, अपने आउण दा कारण दस्सिया कि असी किस कारण करके इस संसार ते आए हाँ, ते जिस कारण करके सानू भेजिया गया वाहिगुरु का हुक्म असी किसी को लुकोवांगे नहीं, किसी का डर नहीं पै नहीं मन्नांगे, सब नू ओ हुक्म जिहड़ा सुनावांगे। ये सतगुरु जी ने इस ग्रंथ के अंदर बख्शिश भरे बचन कहे है, बहुत आप ने माण बख्शे है।